हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बीटीएस हब। आपका स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू केपॉप ऑडिशन के बारे में, जो कि है न्यू हब प्लेडिस ग्लोबल ऑनलाइन ऑडिशन 2021। इस ऑडिशन में मैं आपको बताऊंगी इसका एप्लीकेशन पीरियड, कौन कौन से नेशनलिटी के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जेंडर, और साथ ही आप इसका फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टैप कर दीजिए बेल आइकन पर, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इस ऑडिशन में आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और एक दूसरा आप अपने दोस्तों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि प्लेडिस ऑनलाइन ऑडिशन जो कि ऑनगोइंग ऑडिशन ऑलरेडी एक चल रहा है, और दूसरा है ये जिसमें है शेयर द स्टाइल ऑडिशन। इसमें आपको जो करना है अपने खुद के भी आपको पिक्स एक अलग ही पोज में और एक तरह से सेंड करना है, जिससे आप सिलेक्ट हो जाते हैं। और आपको अगर गेन करने होंगे कुछ बटन्स, उसके बारे में आपको बताऊं कि बटन क्या है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वीडियो को आगे तक जरूर देखें। जाते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं इसके फर्स्ट प्राइज के लिए, और साथ ही आपको मिलता है आपका ट्रेनिंग का लाइसेंस भी आपको मिल जाएगा, यानी कि आप इसके ट्रेनिंग पीरियड में सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके पहले जान लेते हैं, प्लेडिस एंटरटेनमेंट एक सब्सिडियरी कंपनी है हाइब लेवल्स की। तो जो लोग सोच रहे हैं कि प्लेडिस एंटरटेनमेंट एक बड़ी एजेंसी नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हैं, ये हाइब लेवल्स के अंडर ही आती है। प्लेडिस कंपनी है जहां आफ्टर स्कूल, नाना, न्यूएस्ट, 17, बुमजू जैसे काफी आर्टिस्ट ने नाम कमाया है ग्रेटर वर्ल्ड स्टेज पर ऑलराउंडर एंटरटेनर के रूप में। तो चलिए हम इस ऑडिशन प्रोसेस की बात भी कर लेते हैं। और अगर आप प्लेडिस आर्टिस्ट बनते हैं तो आप हाइब आर्टिस्ट के ही कहलाए जाओगे। तो हाइब जो कि होम कंपनी है हमारे फेमस बॉय बैंड ग्रुप बीटीएस की। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके ऑडिशन प्रोसेस के बारे में। हम चलते हैं इंस्टाग्राम पेज पर, जहाँ पे हम सर्च करते हैं प्लेडिस। तो देखिए ये पेज खुल जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसमें हम सबसे पहला वाला ऑप्शन ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे सब कुछ कोरियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सी ट्रांसलेशन कर लेते हैं ताकि वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेडीज एज स्टाइल श्योर शेयर द स्टाइल। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको अपना स्टाइल शेयर करना है, शेयर द स्टाइल टू पार्टिसिपेट ओनली इन स्टाइल। पार्टिसिपेशन पीरियड है इसका 25 अक्टूबर से नवंबर 21 तक। तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। लास्ट डेट रहेगी इसकी 21 नवंबर 2021। तो आप इससे पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा। फिर इसके लिए कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स क्वालिफाइड रहेंगे? स्टाइल केयर मेंबर के लिए सिर्फ वही जो जिनका बर्थ हुआ है 2003 के बाद। और साथ ही इसमें कोई भी जेंडर में कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि गर्ल्स और बॉयज दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे नेशनलिटी पे भी कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है। इसका मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वह इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हाउ टू पार्टिसिपेट पर। इसमें सबसे पहले वन स्टाइल केयर ऐप लॉग इन आफ्टर एक्सेस टू फोटोज एंड वीडियो शूट टू शो यू योर ओन स्टाइल एंड मील अंडर 1 मिनट। सो इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले इसके आपको 2 फोटोज और वीडियो शूट्स आपको यहाँ पे सेंड करने होंगे, जिसमें कि आपका ओन स्टाइल या मतलब आपको अपना एक कोई पोज सिलेक्ट करना है और उसमें आपको फोटो सेंड करने हैं। और याद रहे आप जो भी वो तीनों चीजें अपलोड करने वाले हैं आपको उसको हैशटैग के साथ सेंड करना है। हैशटैग ऑफ ऑल यूजर्स हु पार्टिसिपेट विल बी अवॉर्डेड 500 बटन। जितने भी लोग हैशटैग से अप्लाई करेंगे उन्हें 500 बटन दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहला बताया था कि बटन्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको पहले तो 2 फोटोज और एक वीडियो शूट शो करना है आपकी ओन स्टाइल का, और साथ ही यहाँ पे दिया है वन स्टाइल केयर ऐप लॉग इन आफ्टर एक्सेस। सबसे पहले आपको स्टाइल केयर ऐप में लॉग इन करना है। वहाँ पे आपको जैसे ही एक्सेस मिलता है उसके बाद आपको वहाँ पर 2 फोटोज और वीडियो शूट को वहाँ पे अपना सेंड करना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। चीयर बैटल फर्स्ट है 200,000 बटन, चीयर बैटल सेकेंड है 100,000 बटन, चेयर बैटल थर्ड है 50,000 बटन।
सिलेक्टेड इन द पोस्ट विद अ हाई अमाउंट ऑफ लाइक एंड सपोर्ट कमेंट्स। अब देखिए इसका मतलब यह है कि फर्स्ट प्लेस इस चेयर बैटल में उसकी लगेगी जिसके पास 200,000 बटन्स होंगे और सेकंड प्लेस के लिए उन्हें चाहिए होंगे 100,000 बटन्स और थर्ड प्लेस के लिए उन्हें चाहिए 50,000 बटन्स। अगर आपको आपकी जो पोस्ट करेंगे आप जो ऐप बताया था मैंने आपको ऊपर स्टाइल केयर ऐप में लॉगिन करने पर, तब आपको अगर लाइक्स और इतने सपोर्ट्स मिल जाते हैं तो आपको मिलेंगे ये बटन्स और इस बटन के अकॉर्डिंग आपकी प्लेस लगेगी। फिर यहाँ पे बताया है फाइनल सिलेक्शन नंबर इज 1,000,000 बटन्स एंड प्लेडिस्टरिंग अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये है कि जो इसका फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें अगर आपके पास 1,000,000 बटन होते हैं और ऐसा होने पर आपको मिलेगा प्लेडिस की ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब आप वहाँ प्लेडिस के ट्रेनी बन जाएंगे। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज द बटन, आप कैसे इन बटन को इंक्रीज कर सकते हैं। सम काइंड ऑफ सेविंग करेंसी दैट कैन बी यूज्ड इन स्टाइल केयर। इसका मतलब जो मैंने आपको पहले बताया था स्टाइल केयर ऐप में लॉगिन करने पर उस पर आपको करेंसी सेव करते जाना है। जितनी करेंसी आप सेव करते जाएंगे और आपके पोस्ट पर जितने लाइक्स और कमेंट बढ़ेंगे उससे ही आपके बटन इंक्रीज होते जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे दिया है वीगो द फाइनल सिलेक्शन नंबर मे नॉट बी इशू डिपेंडिंग ऑन द रिव्यू सिचुएशन द अथॉरिटी सपोर्ट मटेरियल इज इंटरेस्टेड टू प्लेडिस एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज नॉट यूज फॉर अदर पर्पसेज। इसका मतलब जो फाइनल सिलेक्शन जो होगा उस पे किस पर डिपेंड करेगा, सब कुछ डिपेंड करेगा प्लेडिस एंटरटेनमेंट के ऊपर। इसके साथ ही आपकी किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कोई भी अदर यूज या रॉन्ग यूज नहीं किया जाएगा। तो आप अपनी जो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेफ है। इसके बाद हम चलते हैं इसकी सेकंड पोस्ट पर प्लेडिस की, उसको क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं ये भी कोरियन में था, मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन कर दिया है जिससे आपको इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद लिखा है यहाँ पे शेयर द स्टाइल फ्रेंड रिकमेंडेशन इवेंट। मैंने जो बताया था दूसरी तरह से आप जो अपने फ्रेंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये उसी ऑडिशन के बारे में, इसमें दिया है इज देयर अ फ्रेंड अराउंड मी हु हैज अ स्टिक इज देयर अ फ्रेंड विद अ गुड स्टाइल। इसका मतलब हमने देखा है हमारे अराउंड बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो सेल्फीज बहुत अच्छे से लेते हैं, उन्हें सेल्फी स्टिक अच्छे से वो हैंडल कर सकते हैं और उनके फोटोज भी काफी अच्छे आते हैं, तो उसी फ्रेंड की यहाँ पे बात की जा रही है। रिपोर्ट टू द ऑफिशियल इंस्टाग्राम डीएम ऑफ द प्लेडिस कास्टिंग टीम राइट नाउ। अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है तो आप अभी इसी वक्त उनकी कास्टिंग टीम को ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर डीएम कर दीजिए। तो आप बताती हूँ कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला है सेंड अ फोटो और अ वीडियो टू अ फ्रेंड यू वांट टू रिकमेंड टू डीएम। सबसे पहले आपका जो फ्रेंड है उसकी फोटो या वीडियो को आप सेंड कर दीजिए उनके डीएम पर। उसके बाद सेकंड है सेंड योर नेम डेट ऑफ बर्थ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप अपना नाम अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना फ्रेंड का नाम लिख दीजिए। याद रहे आपके फ्रेंड को ही पता होना चाहिए कि वो इस ऑडिशन में पार्ट ले रहा है, तो आपके फ्रेंड को इन्फॉर्मेशन लेके उनका कंसेंट लेने के बाद ही आप उनके फोटोज को इनके डीएम कीजिएगा। इसके बाद लिखा है व्हेन अ रिकमेंडेशन फ्रेंड रीचेस द फाइनल स्क्रीनिंग स्टेज बोथ द रिकमेंडेड फ्रेंड्स एंड द रिकमेंडेड फ्रेंड्स विल रिसीव अ 50,000 वॉन बटन टिकट दैट कैन बी यूज्ड इन स्टाइल केयर स्टाइल शेयर दैट थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टाइल केयर ऐप में आपको लॉग इन करना है और इन करने के बाद जैसे आप अगर सिलेक्ट होते हैं आप और आपके दोस्त, तो आपको मिलेंगे 50,000 वॉन बटन टिकट्स जो कि आपको मदद करेंगे आपकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस चेक बैटल में लाने में। इसके बाद हम चलते हैं इसकी फर्स्ट वाली पोस्ट पर। ये है वो सेकंड ऑडिशन जो मैंने आपको बताया था आप अप्लाई कर पाएंगे। इसकी जो अप्लीकेशन पीरियड है वो अलग है और इसके पहले जो मैंने आपको बताया था उसके ऑडिशन की डेट जो है वो बात की है, ये भी पूरा कोरियन में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन बदल देते हैं और फिर इसको रीड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर द स्टाइल टैग इवेंट। इवेंट पार्टिसिपेशन पीरियड है 10 नवंबर से 17 नवंबर तक। तो आप ध्यान से 17 नवंबर वेनसडे 2021 से पहले इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद है हाउ टू पार्टिसिपेट, इसमें आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको एक फोटो या वीडियो शूट करके इन अपनी खुद की एक ओन स्टाइल में सेंड करना होगा। और दूसरा है इफ यू अपलोड इट योर अकाउंट यूजिंग द टैग पीपल फंक्शन यू आर डन। जैसे ही आप अपना फोटो अपलोड कर लेते हैं टैग यूज करके टैग पीपल, ये फंक्शन आपको हैशटैग यूज लगा करना है। जैसे आप ये कर देते हैं आपका यहाँ पे काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद शेयर द स्टाइल टैग इवेंट विल बी हेल्ड अंटिल 17 नवंबर वेनसडे एंड फॉर दोज हु गो टू द फाइनल रिव्यू स्टेज। यहाँ बताया जैसे आप शेयर द स्टाइल टैग लगाते हैं इस इवेंट पर जो कि होने वाला है 17 नवंबर वेनसडे तक, तो आप इसके अंडर पार्टिसिपेट कर लेंगे और जो भी लोग
फाइनल रिव्यू स्टेज तक पहुंचेंगे उन्हें गिव अवे दिया जाएगा 50,000 वॉन का। आपको ये जो फोटो शेयर करना है, अपनी इमेज अपनी स्टाइल में जो शेयर करनी है वो करनी है आपको स्टाइल शेयर ऐप में। यहाँ पे आपको अपलोड करनी है आपकी इमेज प्लेडिस के ऑडिशन अकाउंट में, जो कि है @Playdis.audition.official, और स्टाइल शेयर अकाउंट जो है @StyleShare-KR। अब मस्ट टैग लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको इन दोनों को तो टैग करना ही है, तभी आप इस ऑडिशन के लिए अप्लीकेबल कहलाए जाओगे। इसके बाद है प्लीज टैग यूजिंग द टैग फीचर, इन केस ऑफ अ प्राइवेट अकाउंट इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ जजमेंट। इसलिए और याद रहे मैं आपको बता दूं पहले ही कि आपको अपना जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो आपको पब्लिक कर देना है, ताकि जब भी आप जो फोटो डालेंगे वो क्लियरली वो लोग देख पाए। इसके बाद है ऑल पार्टिसिपेंट्स हु पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द इवेंट विल बी गिवन अ बेनिफिट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर बताया गया है जो भी इसके अंदर एप्लीकेंट पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें बहुत ही बेनिफिट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पिछले ऑडिशन में यह अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो भी फर्स्ट आएगा उसे दिया जाएगा एक ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी। तो हो सकता है यहाँ पे आपको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए और आप ट्रेनी बन जाए प्लेडिस एंटरटेनमेंट के अंडर, यानी कि आप हाइप आर्टिस्ट ही कहलाए जाओगे अगर आप प्लेडिस एंटरटेनमेंट के अंडर ट्रेनी बनते हैं। तो बस यह थी तीनों चीजें ऑडिशन की, मैंने जो आपको बताई थी। पहला जो आपको अप्लाई करना है खुद के लिए, दूसरा अपने फ्रेंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जो डेट थी एप्लीकेशन पीरियड वो थोड़ा लास्ट तक है, काफी टाइम दिया गया है। और इसके साथ जो ये वाला ऑडिशन है इसमें आपको सिर्फ 17 नवंबर तक की डेट दी गई है, तो इसको आप सबसे पहले अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं वापस से इसके पूरे मेन पेज पर इंस्टाग्राम के। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे लिंक दी गई है, उस पर हम क्लिक कर देते हैं। उसको लिंक पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये वही इन्फॉर्मेशन दी गई है जो मैंने आपको पिछले इंस्टाग्राम के पेज पर एक्सप्लेन किया था। बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पर सब कुछ कोरियन लैंग्वेज में दिया गया है, बाकी इन्फॉर्मेशन सब वही है जो मैंने आपको पहले बताया था। शेयर द स्टाइल, अपने को फोटो डालना है, उसकी जो एप्लीकेशन पीरियड दिया है आप खुद की डाल सकते हैं, अपने फ्रेंड का भी इसमें रिकमेंड कर सकते हैं और आप दोनों ही सिलेक्ट हो सकते हैं। साथ ही आपको ये करने के बाद आप टैग कर दीजिएगा। तो यही था लेडीज एंटरटेनमेंट का शेयर द टैलेंट शेयर द स्टाइल ऑडिशन। यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी इमेज पोस्ट करनी है और आप ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान रख के आपके बैकग्राउंड का ध्यान रखते हुए आपके फेस का एक्सप्रेशन, और याद रहे आपके फोटोज के पिक्सल्स क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए। वैसे तो इस ऑडिशन में कोई भी नेशनलिटी कोई भी जेंडर का कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर इसके बावजूद भी अगर आप इस ऑडिशन के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो इसके अलावा भी मैंने काफ़ी ऑडिशन ट्यूटोरियल्स, काफ़ी के ऑडिशन टेप्स और लाइफ ऑफ केपॉप ट्रेनी और आइडल की वीडियोज बनाई है। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको काफी हेल्प करेंगी आप आने वाले आपके अपकमिंग केपॉप ऑडिशंस में आपकी हेल्प करेंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। दोस यू हैव क्यूरियस रिलेटेड टू वीडियो आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक्ड व्हाट यू सी देन मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्रिप्शन बटन, इट विल हेल्प मी टू ग्रो, आल्सो एनकरेज मी टू मेक मोर अपडेट्स रिलेटेड टू BTS K-pop, K-pop audition tutorials, K-pop audition tips, and life of K-pop trainee, and idol, and Korean entertainment videos like this in the future. Love you all. Stay safe. See you guys on my next video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to my channel, Jai YouTube. Bye bye. Anybody out there? Yeah.